नमस्ते डॉक्टर कमलकांत जी नमस्ते विक्रम जी इट्स नाइस टू सी यू सेम यहां वी आर प्लानिंग टू चैट टुडे ऑन माइंड कंट्रोल सो लेट मी टॉक फॉर अबाउट हाफ ए मिनट अबाउट सत्व प्रोग्राम सत्व इज आवर इनिशिएटिव इन विच वी टेक पीपल ऑन अ जर्नी शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम डाइट प्यूरिफिकेशन टू माइंड प्यूरिफिकेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन Everybody is welcome to join this journey with us. I'm glad you were a participant in our program for a month and you enjoyed it. I'm glad you are interested in learning more, knowing more things and you ask us interesting questions. So today I think you have come prepared with several questions on mind purification. So why don't we get started with every question you have. So please go ahead. To... <laughs> मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं और बहुत से लोग एकदम यूनी पॉइंटेड नहीं होते अपने फोकस में बहुत बार बार जल्दी डिस्ट्रैक्शन होता है एक काम किया तो उसको बीच में छोड़ दिया दूसरा करने लगे तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हाउ टू डेवलप फोकस बिकॉज बिना फोकस डेवलप किए कोई काम में कम्प्लीशन होगा करेक्ट आई कम्प्लीटली एग्री Unless we have focus, it will be difficult to accomplish anything in life. Whether we are doing something in the world, or especially if we are doing anything in the spiritual path, in our spiritual path. If we look at the Bhagavad Gita, the Bhagavad Gita starts with uh, a confusion in the mind. So, generally, what happens is we are confused about who we are we don't know our actual nature we think of ourselves as what we are not okay so that is the confusion which all of us have once that confusion is removed or how to remove that confusion in fact yesterday happened to be gita jayanti so we need to think about what the gita is telling us how the Gita can guide us even today, in today's life. Okay. Gita is an eternal teaching. So that eternal teaching has to be relevant today as it was when it was actually given to Arjuna by Krishna. Right? So our first problem is we don't know who we are. Okay. Sorry, eternal, it is eternal teaching and universal too. दैट इज ट्रू इटरल एज यूनिवर्सल सो इट इज बियॉन्ड टाइम देश काल परिस्थिति व्यक्ति yes. से परे है है ना तो ये गीता में जो हमें सिद्धांत मिलते हैं देखने को या सुनने को या समझने को वो सिद्धांत समय के चक्र से परे है किसी भी समय वो लागू होंगे तो वो आज के जीवन में भी उतने ही लागू होते हैं जितने अर्जुन के जीवन में उसके जीवन में और उसके समय पर लागू होते थे ठीक है तो हमारी समस्या क्या है कि हमने अपने आप को हम जो नहीं है वो है ऐसा मान लिया है केवल माना ही है जाना नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि ये देह जो है ये मैं हूं ऐसा मैंने मान लिया है जाना नहीं है जाना जो हम जानते हैं ना हम अच्छी तरह से समझते नहीं हैं वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड विच वी ऑलरेडी हैव सो फॉर एग्जाम्पल मैं जीवित हूँ या आई एम अलाइव इसके बारे में मुझे किसी से कुछ प्रूफ मांगने की कोई आवश्यकता होती है आई ऑलरेडी नो ये स्वयं सिद्ध है मैं जानता हूँ कि मैं जीवित हूँ आई एम और आई एम अलाइव उसके बारे में तो मेरे मन में कोई संदेह है ही नहीं पर मेरे जीवित रहने को या मेरे मेरी जो सांस चल रही है आई टेक दोज टू थिंग्स फॉर ग्रांटेड और उसके बारे में मैं विचार नहीं करता हूँ कि ये कैसे हो रहे ठीक है और मैं गलती से बाय मिस्टेक ये समझने लगता हूँ कि ये देह मैं हूं लेकिन ये देह मैं नहीं हूं ये हमें समझना होता है ये तो समझ में आ जाता है क्योंकि हमें यह समझ में आता है कि जब मैं बच्चा था या फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया कॉलेज गया उसके बाद मेरी शादी हुई और मैं आपसे अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा शरीर तो बदल गया लेकिन मुझे अपने आप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव नहीं आ रहा है आई डू नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ एनी चेंज विद इन माई सेल्फ वॉट आई यूज टू बी एज ए चाइल्ड आई वॉज द सेम वेन आई वॉज ए टीन एजर आई वॉज द सेम वेन आई वॉज ए यंग एडल्ट

सोल और एन एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम यू ये दूसरी भ्रांति है दिस इज द सेकेंड इल्यूजन वी आर अंडर ओके उसमें से निकलने के लिए काफी कष्ट होते हैं और काफी प्रयत्न करना पड़ता है तो इस प्रयत्न का जो हमको सारा करना होता है इस प्रयत्न के लिए हमें जो कुछ भी करना होता है उसके लिए बहुत अधिक फोकस की आवश्यकता है तो ये जो फोकस है ये जो धारणा है ये धारणा हमें सत्संग से भी मिलती है और योग की जो साधना है उससे भी मिलती है तो हम लोग हमारे कार्यक्रम में जो योग साधना करते हैं पहला नियम तो यह है कि आहार का नियम है कि हमें अपनी आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है वी कैनॉट कंज्यूम एनी थिंग मोर देन आवर रिक्वायरमेंट दैट इज द फर्स्ट रूल बिकॉज द एवरी एवरी स्पीशीज इन नेचर एग्जिबिट्स दैट सेम रूल ओके सो अनलेस वी इंकलकेट दैट डिसिप्लिन इन अवर लाइफ देन The 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 second and the, the third and third fourth, all those rules don't even become clear to us. To to us. bring that focus in our life, we have to take the first step. हमको, हमारा जीवन, उसको कहेंगे परिमित करना पड़ता है या सीमित करना पड़ता है well उसको हमने लिमिट करना है यानी क्या होगा देखिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे जीवन में जितनी वस्तुएं या जितने जितने व्यक्ति होते हैं उन सारी वस्तुओं के साथ और सारे व्यक्तियों के साथ हमारा एक संबंध जुड़ा होता है देर इज अ स्ट्रिंग ऑफ अटैचमेंट बिटवीन मी एंड एनी थिंग एंड एवरीथिंग आई कॉल एज माइन ओके दोज स्ट्रिंगस ऑफ अटैचमेंट विल बाइंडस इन ए प्लेस जैसे मकड़ी के जाल में कोई कीट फंस जाता है उस तरह से हम इन मटेरियल बॉन्डेजेस में फंस जाते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जो कर्तव्य होते हैं हमारे परिवार के प्रति या हमारे समाज के प्रति हमारे देश के प्रति हमारे वातावरण के प्रति और पर्यावरण के प्रति उन कर्तव्यों का पालन हम नहीं करेंगे ऐसा इसका अर्थ नहीं है लेकिन उनसे जो हमने हमारा एक अटैचमेंट या आसक्ति बना ली है उस आसक्ति को हमने जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी ही रखनी है उससे अधिक नहीं रखनी है नहीं तो हम उसमें फंस जाएंगे तो ये जो फोकस है ये फोकस हमारे जीवन में आना अत्यधिक आवश्यक है अगर ये नहीं आएगा तो हम प्रगति कर ही नहीं सकते हम तो फंस जाएंगे ना उसी में हमको आगे जाना है लेकिन हम जाल में फंसे हुए कैसे जमेगा तो उस जाल में उतना ही फंसना है फंसना नहीं है उस जाल को अपने साथ रखना है टू द एक्सटेंट इट इज नेसेसरी तो जैसे मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना आवश्यक है तो खाना चाहिए मुझे प्यास लगी है तो मैंने पानी पीना चाहिए आवश्यक है तो जो हमारी प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं उनको हमने पूरा करने के बाद ही हम उसके आगे जा सकते हैं देखिए अगर मेरे पेट में अन्न नहीं है पर्याप्त अन्न नहीं है तो क्या होगा मैं अध्यात्म की बात करूंगा कर ही नहीं सकता हूं। पहले तो मुझे पेट भरा होना चाहिए तब जाकर के इन सारी बातों के ऊपर मैं अपना ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। तो अगर मेरे पेट में खाना नहीं है तो पहला मेरा कर्तव्य होगा कि मेरे पेट में पर्याप्त खाना जाना चाहिए मेरे पेट में नहीं मेरे परिवार के पेट में भी जाना चाहिए तो सभी पर यह नियम लागू होता है कि हमारे जो भौतिक संसाधन हैं जितने हमारे लिए आवश्यक हैं उतने हमने जुटाने चाहिए सभी ने जुटाने चाहिए और इस प्रकार से जुटाने चाहिए कि वो जुटाते समय इसका परिणाम इसका विपरीत परिणाम किसी और पर ना हो सो वेन एवर वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट थिंग्स टू फुलफिल आवर लाइफ वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल आवर लाइफ दोज रिक्वायरमेंट्स वेन वी आर ट्राइंग टू Fulfill and when we are trying to arrange for those things, at that time, that activity cannot have a negative impact on other life forms, not just human beings, but even on other life forms. as a professional. We talk about this as an environmental and social impact. So, any activity we undertake, we should undertake that in such a manner that the environmental and social impact is minimized ideally we should undertake only that activity that has a positive impact on the environment and the society that should be our goal that should be our motto we should undertake only those activities which will have a positive impact on both the environment and society right but sometimes some activities are undertaken or since the industrial revolution especially since the steam engine was invented after that, somehow our industrial development has happened in such a way that the industrial development has had a negative impact on both the environment and the society. That has to be looked at very carefully, and we want to make sure that we are moving in the right direction. So, for that, focus is sacrosanct. If our focus is on material advancement, if our focus is on gathering material things, then that entire focus, that entire activity will be self destructive, which is what we have understood and realized in the past one year during this pandemic. See what has happened in this pandemic. We have undertaken only those activities that are actually necessary. So, only essential activities are going on and non essential activities have stopped without those non essential activities we have been living just fine in fact a lot of us have experienced an improvement in our health condition in our mental stability and things like that right so the conclusion we can draw after this experience of the past 9 10 months is we can easily live without non essential activities and in fact if we do that then environmental quality improves and we start feeling better from within us also because we become healthier so the bottom line is we should undertake only those activities that are essential for survival and essential for having a comfortable life i am not saying that we should go back to stone age we live in 2020 so we should live like people in 2020 but our life has to be limited not unlimited in a material sense only then can we go in the right direction and focus on our spiritual pursuit. That is why focus is necessary. So, that was a long sort of answer for your first question, but I hope you agree with my views. If you have any questions or comments, by all means, uh, let me know. Um, I think the answer was so appropriate that it leaves no room for any doubt or any clarification. आई विल ओनली एड वन थिंग जैसे आपने कहा नहीं करना चाहिए जो योग की परिभाषा में जिसको हम कहते हैं अपरिग्रह right. करना चाहिए so, तो तो यहाँ पर हैं और वो मुझे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं उनसे एक मिनट के लिए बताऊंगा कि आप अविनाश जी पूछिए आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं ये पूछना चाह रहा था कि हाउ कैन वी कंट्रोल आर माइंड

डर द रोंग काइंड ऑफ इंप्रेशन अबाउट अवर सेल्व वी डोंट नो हो वी आर उसको कहते हैं मोह जो मैं नहीं हूं वो मैं हूं ऐसा मैं जब मानता हूं तो उस मान्यता को मोह कहा जाता है ठीक है तो पहला मोह क्या है मेरा कि ये देह मैं हूं ये पहला मोह है लेकिन इससे तो छुटकारा मिल सकता है कि ये ये देह मैं नहीं हूं ये समझना उतना मुश्किल नहीं ठीक है क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि यह शरीर तो बदला है बचपन से तो आज तक लेकिन मुझे मेरे अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन का बदलाव का अनुभव नहीं आया है ठीक है तो मैं इस देह से अलग हूं ये मैं समझता हूं इतना तो कम से कम हमारी आयु के लोगों को समझ में आया होना चाहिए ठीक है तो चलिए हम इतना तो समझ लेते हैं कि यह देह में नहीं लेकिन देह के अंदर या देह के माध्यम से मैं मेरे जीवन का अनुभव कर रहा हूं ये तो मुझे पता चलता है तो ऐसा है कि इस देह में अगर किसी भी प्रकार का असंतुलन है तो उसके कारण मेरे मेरे जीवन का अनुभव जो होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना हो सकता है सो द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ विल नॉट बी एज गुड एज इट कैन बी इफ माई बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ बैलेंस ठीक है तो द बॉडी एक्चुअली ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन बैलेंस ठीक है इवन द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इज द मीन्स ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन बैलेंस राइट सो इफ वी कीप ऑन मेकिंग द बॉडी इम बिकॉज ऑफ यू सी इन द गीता देर इज अ श्लोक युक्ताहार विहार से युक्तचेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो दुख द गीता सेट यू शुड ऑलवेज बी रेग्युलेटेड इन युअर फूड इन युअर बिहेवियर एंड इफ यू रिमेन लाइक दिस देू विन इन बैलेंस एंड देर विल बी नो दुख एंड देर विल बी नो एक्सपीरियंस ऑफ मिजरी दट इज वॉट द गीता टेल्स अस राइट वॉट हैज Our main problem is since we consider ourselves to be this body, this body has a limit, isn't it? This body has a limit of whatever, you know, five foot eight inches in my case, and then maybe two feet wide and another foot or so deep, whatever. So that is the space I'm occupying, right? And beyond that, I don't exist is the kind of assumption I live under. What does this mean?

तो कैसा लगेगा आपको आपकी चाल एकदम वो रैम पे लड़कियां चलती ना वैसी हो जाएगी क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहेंगे आप तो ये जो हम कहते हैं कि हमारा जो आत्मा है या हमारा जो स्पिरिट है वो अनंत है यू नो वी वी हैव एन इनफिनिट स्पिरिट इफ दैट स्पिरिट इज बाउंड इन दिस सिक्स बाय टू बॉडी हाउ क्लास्टोफोबिक विल इट फील इज इट तो हम क्या करते हैं कि वी वॉन्ट टू

ये समझने में थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन अगर हमारी हमारे भोजन पर या अन्न पर आसक्ति है तो ये जो आसक्ति होती है ना मुझे ये चाहिए 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 मनुष्य का जो लोभ होता है ये उसकी रचना से शुरू होता है तो इस पर अगर हमारा नियंत्रण आ जाता है तो फिर क्या होता है कि जो हमारा जो लोभ है ना ये कम 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 होते जाता है तो हमको वस्तुओं का संग्रह करने में उतनी रुचि नहीं रहती ये हमारा अनुभव है और ये कई संतों ने बताया है इससे पहले तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नई बात है या मैं कोई नई बात बता रहा हूं और पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोई संत हूं ही नहीं मैं तो केवल एक साधक हूं मैं एक विद्यार्थी हूं मैं ये सीखना चाहता हूं कि इन संतों ने क्या बताया है हमको और उस पर प्रयोग करके उससे क्या अनुभव होता है ये मैं अपने अनुभव में सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूं और यही जो हमारा प्रयत्न है या इस प्रयत्न से हमें जो अनुभव हुआ है वो अनुभव हम सब लोगों के साथ बांटना चाहते हैं कि देखिए हमने ये प्रयोग किया इससे हमको ये अनुभव हुआ तो आप भी इस प्रकार का अनुभव कीजिए तो आपको यही अनुभव आएगा यही प्रयोग करने से आपको ये अनुभव आना चाहिए और आता है ना आपको भी आया हुआ है कई लोगों को आया हुआ है तो आपने जो प्रश्न पूछा है कि हमें हमारे मन पर नियंत्रण क्यों नहीं होता है क्योंकि हमने ऐसी हमारे मन में कल्पना कर रखी है कि मैं किसी प्रकार से अपूर्ण हूं ये मैंने कल्पना कर रखी है ये सत्य नहीं है ये वास्तविक नहीं है क्योंकि देखिए पिछले नौ दस महीनों में हमने अपने ही अनुभव में ये सिद्ध किया है कि कई वस्तुओं के बगैर हम रह सकते हैं आसानी से रह सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी वस्तुएं अगर होंगी तभी हम अच्छे से रहेंगे सुखी रहेंगे खुश रहेंगे वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं है इनके अलावा भी आदमी रह सकता है आराम से और हम अपने ही अनुभव में ये सिद्ध कर चुके हैं तो ये हमें समझना है कि हम जो अपने आप को सीमित समझ रहे हैं ये भ्रांति है ठीक है? सही है तो उससे क्या होगा कि हमारा हमारी जो आसक्ति है अन्न पर वो कम हो जाएगी तो हमने ये अगर समझ लिया कि देखिए इस शरीर को हमको चलाना है तो उसको कुछ ना कुछ ईंधन तो देना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे कि उसको जितनी आवश्यकता है उतना ईंधन देंगे हमारा प्रश्न ये होता है या हमारी समस्या ये है कि ये ईंधन डालने की जो प्रक्रिया है उसमें आनंद की अनुभूति होती है ये है हमारी समस्या तो हम क्या करते हैं हम सोचते हैं कि ये आनंद हम लेते रहेंगे लेकिन इसकी एक सीमा है जिसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि देखिए अगर मुझे भूख लगी हुई है और मैं स्वस्थ हूँ और मेरे सामने बहुत अच्छा बढ़िया भोजन रखा हुआ है समझ लो मुझे खाने के लिए अब मैं तो केवल फल खाता हूं तो मैं आपको आम का उदाहरण देता हूं कि आम अगर मेरे सामने रखे हुए हैं एक टोकरी में मुझे भूख लगी है और आम भी बड़े अच्छे हैं पके हुए हैं और खाने में मजे मुझे आनंद आएगा ठीक है थीके? तो मैं भूख लगी खाता हूँ एक आम खाता हूँ तो एक आम खाने से मुझे तृप्ति हुई ठीक है लेकिन पेट पूरा भरा नहीं है तो फिर मैं दूसरा आम खाता हूँ और उतना ही अच्छा लगता है फिर तीसरा आम खाता हूँ थोड़ा कम अच्छा लगता है चौथा आम खाता हूं और भी कम अच्छा लगता है अगर तब पेट भर गया और मैं आम खाते रहा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा फिर बुरा 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 बुरा, बुरा लगने लगेगा और अगर मैं दस आम खा लूंगा तो दसवां आम खाने के बाद में जो नौ खाए थे वो सारे के सारे उल्टी दिशा से बाहर निकल के आएंगे ठीक है ऐसा होता है तो हमें समझना होता है कि हमारे शरीर की सीमा क्या है तो यो ये जो सीमा है ये हमें कैसे पता चलती है कि जब हम खाना खाते हैं और ध्यान पूर्वक खाना खाते हैं तो पंद्रह बीस मिनट खाना खाने के बाद हमें एक हल्की सी डकार आती है ये प्रकृति हमें सूचित कर रही है कि आप अब खाना खाना बंद करें तो तब हमने रुक जाना चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वो आम देखते हैं और हमारे मन में तो है कि आम खाने से आनंद होता है तो हम उसको खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं तो आम का मैंने केवल उदाहरण दिया ये हर एक वस्तु के बारे में होता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम सीमित नहीं है हम देह के माध्यम से सीमित है तो उसको सीमित ही ईंधन देना चाहिए ये हमें समझना चाहिए और ये जो शिक्षा है या दिस लेसन हैज बी लर्न एज चिल्ड्रन So, we ourselves should not tell our children to eat more than necessary. Children will never do that on their own. On their own, children will stop. Usually, it is very difficult to overfeed a child. But as the child grows, then the child starts eating with his or her mind rather than based on the body requirement. So, if we eat only to the extent our body requires, then such

इतने साल अगर हमने उसको चलाया तो फिर एंड में क्या होगा कुछ ना कुछ तो नेचर विलेशलेट्रॉल बताए, है तो देखो सोचो और उसके ऊपर कुछ करो उपाय ये हमको सिखा रहा है नेचर तो वो हमने सीखना चाहिए उससे आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन अविनाश जी हाँ जी हाँ जी हाउ दादा थैंक क्लियर नाउ वंडरफुल कमल जी आप दूसरा सर, जो प्रश्न है आप पूछिए जो हम जिसके बारे में चर्चा करना चाह रहे थे दूसरा जो प्रश्न है वो तो इससे रिलेटेड था आई थिंक इसमें भी काफी कवर हो गया है मेंटल चैटर हमारे माइंड में हर समय मेंटल चैटर चलता रहता है एक थॉट दूसरा थॉट तीसरा थॉट बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट एंड समटाइम्स वी फील वेरी मच ओवरवेल एंड फिर वही बात है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हम उस विचारों के जाल में मकर जाल में उलझके रह जाते हैं तो इससे कैसे निकले मैं समझता हूँ आपका जो आंसर था फोकस कैसे, कैसे निकले ये बहुत अपने आप में शायद कवर हो चुका है बट फिर भी आप कोई पॉइंट रखना चाहें तो रखें चलिए इस पर मैं फिर से एक बार चिंतन करूंगा आपके साथ ये जो मेंटल चैटर है ना ये हमारे मन में विचार जो होते हैं वो विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं विचार अपने बारे में नहीं आते यानी आई ऑलवेज थिंक ऑफ समथिंग और एनी थिंग अदर देन माई सेल्फ आई नेवर थिंक अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई एम द थिंकर आई एम द वन हु इज थिंकिंग सो मेरे मन में जो विचार आते हैं वो हमेशा मुझसे अन्य के बारे में आते हैं ठीक है मुझे मेरे बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है मुझे मेरे मन में कभी कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि मैं हूं या नहीं हूं न प्रश्न है न विकल्प है देर इज नाइदर ए क्वेश्चन नाइदर ए डाउट नॉर ए चॉइस देर इज नो चॉइस वेदर आई एम और आई एम नॉट इज इट बट इन माई माइंड देर विल ऑलवेज बी क्वेश्चन ऑफ द अदर ठीक है तो अभी मैं इसके बारे में इससे पहले बोल चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार बोलता हूँ कि इसका जो उत्तर है वो आध्यात्मिक ही है क्योंकि उसका उत्तर अगर आध्यात्मिक नहीं देंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी तो देखिए हमें ये जगत जो है दुनिया जो है वर्ल्ड जिसको कहेंगे यूनिवर्स जो है उसका अनुभव कैसे होता है वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ओनली थ्रू इमेजेस वी डोंट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज इट इज ठीक है ना जैसे मैं आपको अभी देख रहा हूं आप बैठे हैं भारत में मुजफ्फरनगर में और अविनाश जी बैठे हैं नागपुर में लेकिन मैं अनुभव कैसे कर रहा हूँ आपका जो चित्र है वो वहां से सैटेलाइट के माध्यम से मेरे कंप्यूटर में आ रहा है और आपका चित्र मुझे दिखाई दे रहा है और मैं आपको देख रहा हूं और जो कंप्यूटर में चित्र दिखाई दे रहा है वो चित्र भी उसका जो प्रतिबिंब है, है।, है वो मेरे मस्तिष्क में कहीं जाकर के उसकी कुछ संवेदना मुझे हो रही है और वो जो संवेदना जब होती है तब मुझे ये समझ में आता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूं ठीक है ना तो ये जगत जो होता है ये बाहर होता है लेकिन इसका अनुभव मुझे मेरे अंदर आता है प्रतिबिंब के रूप में और जब तक मुझे उस प्रतिबिंब का अनुभव नहीं होता है तब तक बाहर के जगत के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है अगर है या नहीं है ये पता ही नहीं चलेगा क्योंकि जब मैंने ये मेरा उसको अगर बंद किया है जब रात को मैं सो जाता हूं तो जगत कहाँ जाता है जगत होगा जहां होगा वहां लेकिन मुझे उसका अनुभव नहीं आता है So, the world may exist, but the world is not experienced by me. Okay, when I'm in deep sleep. Therefore, this entire world appears to me as images. Okay, that is all the experience I have. I don't have any other experience of the world at all. Okay, once I understand this, then I realize that the image falling within my mind and the world outside. They are related to each other, they are relative to each other, they are dependent upon each other, they are interdependent. The image I experience in my mind and the image I see outside of the world, both are images. Both are images. Okay, then what is real? I am real, unless I am there. Neither the image in my mind is there nor the image in the world is there. Okay, so this I who is experiencing both these images, who is this I? If we contemplate on this I, then the mental chatter will stop because there is no doubt in my mind about the I, about my being, and there is no चॉइस there इज नो no alternative, इसको कहते हैं एकमेव द्वितीय एकमेव और अद्वितीय एक ही है अद्वितीय दूसरा कुछ भी नहीं जो दूसरा है ऐसा मुझे लगता है वो मुझे केवल उसके प्रतिबिंब के रूप में अनुभव में आता है जैसा का वैसा अनुभव में नहीं आता है सो व्हाट आई कंसीडर एज दी अदर जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में द्वैत कहेंगे मैं और मुझसे अन्य ये जो द्वैत है ये द्वैत का अनुभव मुझे मेरे मन में प्रतिबिंब के रूप में आता है तो द्वैत जो है ये प्रतिबिंब है ये आभासात्मक है ये सत्य नहीं है ठीक है और जब तक मैं ये द्वैत को सत्य मानता हूं तब तक मेरा मन उस द्वैत में भटकते रहेगा उसको भी एक दिशा में लाने के लिए या फोकस में लाने के लिए हम कई प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं और उसका जो सबसे आसान अभ्यास है सबसे सरल अभ्यास है कलयुग में वो है नाम जप ठीक है तो हम अगर किसी इष्ट देवता का नाम जपते हैं जप करते हैं उसका तो उससे क्या होता है कि हमारा मन उस एक विषय पर केंद्रित होता है और अन्य विषय हमारे मन में नहीं आते तो ये है मेंटल चैटर को हमारे मन में से हटाने का एक तरीका तो उसको हम अगर कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है तो चलो छोड़ो ये नाम जब वगैरह समझेंगे आपकी ये तो बड़ी पुरानी बातें हैं दीज आर ऑल इटे एंड ऑल दैट इफ यू डोंट वांट टू डू दैट इट डजेंट मैटर आप जैसे कहते हैं कमल जी की आप कोई गाना गाओ या आप जो कुछ काम कर रहे हो जो आपको काम जो आपको अच्छा लगता है आइडियली यू शुड डू वॉट यू लाइक टू डू एंड देन दैट इट सेल्फ प्रोवाइड्स यू यूर ब्रेड एंड बटर तो जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टरी करते हैं तो डॉक्टरी करने में अगर आपको आनंद आता है तो फिर क्या होगा कि उसमें से आपका जीवन निर्वाह भी हो रहा है और आनंद भी आ रहा है ऐसा हर एक आदमी का होना चाहिए लेकिन हमारा क्या होता है कि आज की दुनिया में आप देखेंगे ऑफ द पीपल डोंट डोंट लाइक दे 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 डू सो आर डूइंग थिंग्स टू अर्न मनी बिकॉज हैव एनी अदर चॉइस तो मैं हमेशा ये मजाक में कहता हूं कि हमारे घर में जो काम करने के लिए मैन्युअल लेबर या डोमेस्टिक हेल्प आती है काम वाली बाई बर्तन वाली भाई उसमें और मुझ में केवल डिग्री का फर्क है देर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ अ डिग्री शी डजेंट है डिग्री एंड आई है हम दोनों जो है एक ही काम कर रहे हैं महीना भर जाके काम कर रहे हैं और हमको महीने के अंत में तनख्वाह मिल रही है ठीक है तो काम करना और काम के बदले में उसका वेतन लेना ये जो प्रोसेस है ये मेरे जीवन में भी हो रहा है। और ये जो बर्तन माजने के लिए मेरे घर में आ रही है भाई उसके जीवन में भी हो रहा है तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ प्रोसेस तो सेम है केवल डिग्री का फर्क है मेरे पास पी डिग्री है इसलिए मुझे वेतन बहुत ज़्यादा मिल रहा है और उसके पास कोई डिग्री नहीं है बेचारे के पास तो उसको वेतन बहुत कम मिल रहा है ऐसा हो रहा है लेकिन वही है कि वो भी वो काम उसको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन करना पड़ रहा है इसलिए कर रही है तो उसमें उसका मन नहीं है तो इसलिए वो कभी करती है कभी नहीं करती है इतना अच्छा करती है नहीं करती है इट इट डज नॉट मैटर मेरे जीवन में भी अगर वही है समस्या तो मेरा भी काम जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं हो तो हर एक आदमी ने ऐसा ही काम करना चाहिए जो काम उसे अच्छा लगता है तो मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मुझे जो अच्छा लगता है काम वो करने का सौभाग्य मुझे मिला एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मैं जो काम करता हूँ वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये पर्यावरण की शुद्धिकरण का काम है सफाई का काम है और सफाई मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय है, है, स्वच्छता मुझे जन्म से और किसी अच्छी नहीं लगती है स्वच्छता लेकिन स्वच्छता करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत करने की हमारी तैयारी नहीं होती है मन की और इसलिए हम आलस करते हैं और हम ऐसे ही रहते हैं अस्वच्छ परिवेश में इन मेसी कंडीशन दैट इज नॉट इफ वी डू देन वी विल ऑलवेज बी हैप्पी तो हम अगर इस प्रकार से रहेंगे और करेंगे तो हमारे मन में से जो मेंटल चैटर है फोकस में अगर काम करेंगे तो मेंटल चैटर कम हो जाएगा अपने आप तो ये करना चाहिए तो इसके लिए जो साधना होती है उसके लिए हम जैसे आप भी आ चुके हैं और आपको तो उसी में आनंद आता था कि एक घंटा हम आते हैं रोज़ सब लोग मिलकर के योगासन प्राणायाम ध्यान ये सब करते हैं और फिर हमारे एक घंटे के प्रोग्राम में अंत में पाँच दस मिनट हम वो शवासन करते हैं उसमें तो कई लोगों को नींद आ जाती है मुझे भी आती है कभी कभी क्योंकि इतना रिलैक्स हो जाता है आदमी तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं

उसके बाद का पॉइंट था इंटरनल डायलॉग हाँ तो चलिए इंटरनल डायलॉग के बारे में बात करते हैं इंटरनल डायलॉग में क्या होता है कि हम अपने साथ जो बात करते हैं इंटरनली वो कई बार मैं कहता हूं कि ये इंटरनल डायलॉग इट इज द गीता क्योंकि हमारे मन में ही अर्जुन भी है और कृष्ण भी है हमारे मन के ना चार भाग होते हैं देर आर फोर फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर माइंड ओके देर इज ए माइंड दैट इज इमोशनल एंड दैट फील्स लाइक डूइंग दिस फील्स लाइक डूइंग दैट ये राग द्वेश से प्रभावित होता है एंड आई लाइक टू डू सर्टन थिंग्स एंड आई डोंट लाइक टू डू सर्टन थिंग्स वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड इट दर इज नो लॉजिक कि मुझे हमारा मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मुझे पुरनपोड़ी अच्छी लगती है लेकिन आपने अगर कभी खाई नहीं और पहली बार खाई और आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर आप कहेंगे ना इंपोर्टेंट पॉइंट मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मुझे अच्छी लगती है या मुझे अच्छी नहीं लगती है इसमें क्या लॉजिक है कुछ नहीं लॉजिक है ठीक है और हमारा मन जो है ये सारा राग द्वेश पर आधारित होता है और उससे प्रभावित होता है ये है मन दूसरी होती है बुद्धि बुद्धि जो है वो लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर माइंड है ठीक है तो ये लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर माइंड विल टेल अस कि ये चीज अच्छी है या नहीं है अगर जैसे मेरी शुगर ज्यादा हो रही है तो फिर मैं शक्कर और चीनी कम खाऊंगा ये मेरा मेरी जो बुद्धि है वो मुझे बता रही है मेरा मन तो कह रहा है कि नहीं नहीं ये मीठी वस्तु मेरे सामने है उसको खाओ लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो मुझे बता रही है कि नहीं खाना चाहिए तो ये बुद्धि जो होती है ना दिस इज द कृष्णा एस्पेक्ट ऑफ आवर ओन इंटरनल डायलॉग विदिन और जो माइंड होता है दैट इज द अर्जुन एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल डायलॉग विद इन एस ठीक है तो इस मन को अगर बुद्धि नियंत्रित रखेगी और इफ द बुद्धि और द इंटेलेक्ट इज गाइडिंग द माइंड और द इमोशनल माइंड देन अवर लाइफ विल रन क्वाइट नाइसली ठीक है तो ये एक ही मन के दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं दो अलग अलग फंक्शनल एस्पेक्ट हैं ठीक है और दूसरा क्या है कि हमारे मन में ना कई वर्षों के कई जन्मों के संस्कार होते हैं उन संस्कारों को हम कहेंगे चित्त दैट इज ए मेमोरी बैंक इन अवर माइंड तो क्या होता है कि हमको जो अनुभव पहले आ चुके होते हैं उनके आधार पर हम हमारा जीवन अभी व्यतीत करते हैं सो आवर एक्शन एंड आवर डिसीशन आर बेस्ड ऑन दैट मेमोरी बैंक जो चित्त होता है ठीक है और एक चौथा एस्पेक्ट है उसको कहते हैं अहंकार अहंकार इज द आइडिया ऑफ माइंडनेस यानी मैं एक स्वतंत्र भिन्न व्यक्ति हूं आपसे अन्य ये जो मेरे अपने अन्यत्व का भिन्नत्व का जो एक मेरे मन में एक इंप्रेशन होता है ना उसको कहते हैं अहंकार अहंकार इज माय इंप्रेशन और माय आइडिया और माय अजम्पन ऑफ आई बीइंग सेपरेट फ्रॉम द अदर सो दिस सेंस ऑफ सेपरेटनेस इज कॉल्ड अहंकार अच्छा उस अहंकार को हम जितना एम्बेलिश करेंगे जितने उसके ऊपर हम उसको उसके ऊपर उपाधि चढ़ाएंगे उतना वो जो अहंकार होता है ना वो तगड़ा होते जाता है इट बिकम स्ट्रांगर एंड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर तो ये कैसे अहंकार कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ उसका उदाहरण पहला जो उसके ऊपर उपाधि चढ़ती है पहली उपाधि द फर्स्ट आइडिया ऑफ माइंडनेस इज माई बॉडी बॉडी आइडेंटिफिकेशन ये पहला अहंकार है ठीक है उसके ऊपर फिर गहने कैसे चढ़ते बता हूँ मैं ठीक है मैं ये देह हूं ना दैट इज नंबर वन पुरुष हूं तीसरा क्या है मैं जवान हूं बूढ़ा हूं बच्चा हूं यह तीसरा हो गया फिर चौथा क्या है मैं ब्राह्मण हूं वैश्य हूं हु, शूद्र हूं वो वॉट फिर पांचवा मैं पढ़ा लिखा हूं मैं अनपढ़ हूं छठवा हो गया मैं अमीर हूं मैं गरीब हूं केवल अमीर होने का अहंकार नहीं होता है गरीब होने का भी अहंकार होता है आप कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि, कि आप किसी भिखारी को कुछ पैसा दो अगर पांच रुपए देंगे देंगे तो बोलेगा कि साहब आपको क्या लगा कि मैं ऐसा भिखारी हो क्या दस रुपए दो कम से कम, कम, कम उसका भी एटीट्यूड होता है ठीक है ना तो ये अहंकार जो है ये उसकी परतें होती हैं देर आर मेनी लेयर्स ऑफ दिस अहंकार और जितना जितने लेयर्स हम, हम हमारे ऊपर जमा करेंगे उतना हमारा जो अहंकार होता है ना आवर आइडिया ऑफ अदरनेस सेपरेटनेस दैट बिकम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर एंड स्ट्रोंगर So, if we get rid of all of these things, if we see while in our waking experience, we always make use of our intellect, our buddhi, and make sure that that buddhi is guiding our mind and all of our actions, then we can say that the chariot of my life is being driven by Krishna. बिकॉज दैट इंट और द बुद्धि एस्पेक्ट ऑफ आवर माइंड इज द कृष्णा प्रिंसिपल ठीक है तो वो अगर इंचार्ज रहेगा हमेशा तो फिर क्या होगा कि हमारा मन जो होगा मेरे मन का जो अर्जुन है वो कृष्ण के पैरों में हमेशा शरणागत रहेगा और वो जो मुझे समझाएगा और मुझसे कराएगा वो मैं करते रहूंगा इस तरह से मेरा जीवन चलेगा उस तरह से अगर मेरा जीवन चलेगा तो ये जो मेरे अंदर का जो इंटरनल डायलॉग है वो सिद्ध होगा और मेरे जीवन में मुझे कृतकृत्यता का अनुभव आएगा सो आई विल फील फुलफिल्ड विद इन माई लाइफ इफ माई लाइफ इज गाइडेड बाई द इंटेलेक्ट ओके और इस इंटेलेक्ट को हमने रिफाइन करते रहना चाहिए ये जब रिफाइनमेंट का प्रोसेस पूरा होता है तो उसके बाद में हमें हमारे बारे में जगत के बारे में ईश्वर के बारे में और आध्यात्मिक साधना के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता आती है हमारे मन में तो ये है अब तक आपने जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर तो आज काफी देर तक हमने बात की है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने यहाँ रुकना चाहिए और हमारे जो दर्शक हैं उनसे हमने पूछना चाहिए कि अगर उनको कुछ प्रश्न है तो वो पूछे वो अपना हाथ ऊपर करे वो हमसे प्रश्न पूछे और उनके उत्तर हम देने का प्रयत्न करेंगे इस तरह से हम करेंगे